गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज हम लोग चैप्टर 6A के डिडक्शंस करने वाले हैं और इंटरनेशनल टैक्सेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने वाले हैं. इंटरनेशनल टैक्सेशन के बाकी टॉपिक्स फुल लेक्चर्स आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा इस वीडियो का. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शन से. चैप्टर 6A के डिडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? इस बार चैप्टर 6A के डिडक्शन और भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं आफ्टर MCQs कमिंग इनटू पिक्चर. MCQs आने के वजह से चैप्टर 6A के डिडक्शन पहले क्वेश्चन में होते थे, पेपर में होते थे, नहीं होते थे. इस बार अब से डेफिनेटली होने हैं. 2 मार्क्स तो आपका चैप्टर 6A के डिडक्शन होने ही है, 2 मार्क्स. और उसको आपको सिर्फ डिडक्शन के लिमिट्स याद रखने हैं, कौन से लिमिट्स में क्या इंक्लूडेड होता है, कौन से लिमिट्स में क्या इंक्लूडेड नहीं होता है, वो आपको याद रखना ज़रूरी है. आपको लिमिट रिकॉल होगा, आप लिखोगे, बस आपको मार्क्स मिल जाएगा. मेनली ये MCQs में आएगा चैप्टर 6A के डिडक्शंस. तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 80C से. सेक्शन 80C में बोलता है कब कब कौन सी चीज़ों के लिए डिडक्शन मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन टू PPF, SPF, RPF, कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF कॉन्ट्रीब्यूशन ऊपर हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ 2 बार हो गया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूलिप. अब ये जो अमाउंट इन लोग ने डिपॉजिट किया, प्रीमियम पे किया, इसका डिडक्शन मिलता है. ये कभी इनकम में इंक्लूडेड नहीं है, इसका सेपरेटली डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C. ठीक है, 80C का इंटरनल लिमिट है 1,50,000 रुपीज. ठीक है, उसके बाद 80C बोलता है कि मेरी भी इंटरनल लिमिट्स है. 80C के अंडर इंटरनल लिमिट है 1,50,000 के अंदर, वो है लाइफ इंश्योरेंस के लिए. तो लाइफ इंश्योरेंस का लिंक्ड है मैक्सिमम डिडक्शन टू द सम अश्योर्ड. तो अगर समझो पॉलिसी इशू की थी 1/4/2012 से पहले, तो 20% सम अश्योर्ड रहेगा. दैट इज द लिमिट, 20% ऑफ सम अश्योर्ड. इशू की थी 1/4/2012 के बाद तो 10% सम अश्योर्ड, 1/4/2013 के बाद इशू की थी 15% हो जाएगा फॉर डिसेबल्ड. तो 1/4/2012 में अगर डिसेबल्ड के लिए किया था तो कितना रहेगा, 10% ही. तो ये बोलता है कि अगर आपका सम अश्योर्ड 1 करोड़ है तो आपका 10%, दैट इज खाली 10 लाख का आपको पॉलिसी प्रीमियम अलाउ हो सकता है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होगा. पहले कितना था, 20 लाख तक का लिमिट था. अभी अगर डिसेबल्ड के लिए 2018 में लिया तो कितना परसेंट होगा, 15%, 15 लाख. ओके, तो 80C का लिमिट हम लोगों ने देख लिया 1.5 लाख. 80 अभी हम लोग 80C का देख लिया. 80CCC बोलता है अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर LIC प्लान एन्यूटी. तो और 80CCD इज नोटिफाइड पेंशन स्कीम, NPS. ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, NPS बोलेंगे. 80CCD का भी इंटरनल लिमिट है 1.5 लाख. ठीक है, सिंपल है. अभी आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नोटिफाइड पेंशन स्कीम. नोटिफाइड पेंशन स्कीम बोलता है कि मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम मैं मेरे अंडर ले सकते हो 80CCD1 के अंडर मैक्सिमम ले सकते हो 1.5 लाख. फिर तुम 2 टाइप में बाइफिकेट हो सकते हो, या तो तुम एम्प्लॉई हो या फिर तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो. अगर एम्प्लॉई हो तो 10% ऑफ सैलरी, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 20% ऑफ GTI. तो सेल्फ एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉई बोलेगा मेरे को 20% क्यों नहीं मिल रहा, तो उसको बोलेंगे तुमको मिल रहा है, 10% जो यहाँ पे है वो तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, 10% यहाँ पे मिलेगा एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन. और एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन का भी लिमिट होता है 10% ऑफ सैलरी. बट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ध्यान देना, यहाँ पे एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन बाहर है. 80CCE का लिमिट, ओवरऑल लिमिट है 1.5 लाख, जिसमें 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD1 1.5 लाख तक ही लिया जा सकता है.
एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन इज अंडर सेक्शन 80 CCD 2, तो वो 1.5 लाख के बियॉन्ड भी मिलता है. समझो एक एम्प्लॉई है जिसका ATC का डिडक्शन है 1.2 लाख, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है 40,000, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है 40,000, तो उसको कितना मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ATC का 1.2 लाख बोला था ना, 1.2 लाख मिल जाएगा. ATCCD 1 के अंडर 30,000 मिलेगा क्योंकि ओवरऑल लेवल ATCCE में 2 लाख है, ठीक है, तो 30,000 उधर मिल जाएगा. 10,000 जो बचा वो मिल जाएगा, 10,000 का वो हम लोग बाद में देखेंगे. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का 30,000 का पूरा इंटायर 40,000 का पूरा इंटायर 40,000 मिल जाएगा अगर वो 10% ऑफ सैलरी का लिमिट में हो. समझो है, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे कितना मिल गया 40,000, यहाँ ATC का कितना मिला 1.2 लाख, ATCCD 1 में 30,000. अभी जो बाकी का अमाउंट है वो यहाँ पे ले सकते हैं. ATCCD 1B बोलता है कि ओवर एंड अबव ATCCD 1 आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन ATCCD 1B और उसका मैक्सिमम हो जाएगा 50,000. तो मैक्सिमम अंडर दीज सेक्शंस ATCCD, CCC एंड ATC, उसमें मैक्सिमम आपको डिडक्शन 2 लाख रुपए तक मिल सकता है, प्लस 1.5 लाख प्लस 50,000, मतलब 2 लाख प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, इतना आपको टोटल मिल सकता है इन सेक्शंस में डिडक्शंस, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ATC का लिमिट हम लोगों ने देखा 1.5 लाख है, उसके अंडर लाइफ इंश्योरेंस का 20%, 10% या 15% का लिमिट है. उसके बाद ATCCC में लिमिट है 1.5 लाख का, ATCCD 1 में लिमिट है 10% ऑफ सैलरी, जो कि 10% यहाँ पे मिलता है, 20% ऑफ GTI या मैक्स 1.5 लाख, ठीक है. ATCCD 1B बोलता है ओवर एंड अबव 1.5 लाख, ओवर एंड अबव CCD 1 यहाँ पे आपको मिल सकता है, ठीक है. तो टोटल ओवरऑल कितना लिमिट हो गया, 1.5 लाख प्लस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ATCCD 1B 15,000, मतलब 2 लाख प्लस एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन. इसमें कि एसएससी किस किस को मिलेगा, क्या कंपनी को ये डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं, खाली इंडिविजुअल और HUF को. ये इंडिविजुअल का फोटो है, ये HUF का फोटो है, खाली इन दोनों को ही डिडक्शन मिलेगा. किसके लिए मिलेगा? फैमिली, अपने चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाइफ, मेंबर्स ऑफ HUF को के लिए पे किया ये सब, तो आपको मिलेगा. अगर आपने अपने डैड का, अपने मॉम का लाइफ इंश्योरेंस करवाया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो फैमिली के डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है. पेरेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली. पेरेंट का आप 80D के अंडर ले सकते हो, मतलब उनका आप मेडिकल इंश्योरेंस पे कर सकते हो, बट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर सकते हो. अगर आपने उनका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. बट अगर उन्होंने आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उनको बेनिफिट मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो आपके, उनके लिए आप चिल्ड्रेन हो, उनके लिए आप फैमिली में कवर हो जाते हो, ठीक है. फिर इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक, इसका आपको डिडक्शन मिलता है अप टू 10,000 अगर रेसिडेंट हो एंड सीनियर सिटीजन हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000 तक, ठीक है. इंडिविजुअल्स को ये डिडक्शन मिलता है, ना HUF को मिलता है, ना किसी और SSC को. तो 10,000 नॉर्मल SSC के लिए, 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, ठीक है. अभी हम लोग 80D देखने वाले हैं. ये बाकी सब सेक्शंस बेसिक है तो मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. मतलब ये पेटेंट के लिए है, ये कॉपीराइट के लिए है. 3 लाख मिलेगा रेसिडेंट पर्सन, इंडिविजुअल इन रेसिडेंट होना चाहिए पहला, फिर दूसरा इंडियन हो, मतलब इंडिविजुअल होना चाहिए. सेक्शन 80D क्या बोलता है? इंडिविजुअल और HUF को आपको डिडक्शन मिलेगा और उसको बाइफोकेट कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कुछ पोर्शन इधर है, दूसरा कुछ पोर्शन इधर है. पहला पोर्शन किसके लिए? पेरेंट्स के लिए.
तो पेरेंट्स के लिए अलग है और फैमिली के लिए अलग है. यहाँ पे भी फैमिली कौन है? चिल्ड्रेन. ऊपर खाली ऊपर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोथ चिल्ड्रेन थे. डी आई दिख रहा है ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों थे. यहाँ पे ओनली डिपेंडेंट चिल्ड्रेन आएंगे. मैं तो डिपेंडेंट चिल्ड्रेन का ही मेडिकल इंश्योरेंस दे सकता हूँ, वरना मेडिकल इंश्योरेंस उसको ही पे करना चाहिए अगर वो इंडिपेंडेंट है तो. ठीक है, वाइफ मेंबर्स ऑफ एचयूएफ इसका मैं पे कर रहा हूँ, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्लस 25 स्कीम प्लस सीजीएचएस कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल मिला के 25,000 का पेमेंट कर सकते हैं. उसका डिडक्शन आपको 25,000 का मिल जाए, 25,000 तक का मिल जाएगा, बट उसको आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते. अगर आप में से किसी कोई भी सीनियर सिटीजन है और रेसिडेंट इन इंडिया है तो 25,000 का लिमिट 50,000 में इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही अगर आपका आपके पेरेंट्स का आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो मेडिकल इंश्योरेंस नोटिफाइड स्कीम सीजीएचएस कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25,000, वो भी आप कैश में पे नहीं कर सकते, वो 50,000 में इंक्रीज हो जाएगा अगर आपका पेमेंट हुआ है इन आपका पेमेंट हुआ है और आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है एंड दे आर रेसिडेंट इन इंडिया. इसका पेमेंट भी कैश में नहीं अलाउड है, बट जो आप हेल्थ चेकअप पे करोगे तो सिंपल क्या है कि बाइफर्केशन हो गया, इधर भी 25,000 का 50,000 हो जाएगा, इधर का भी 25,000 का 50,000 हो जाएगा. तो मतलब टोटल मिला के कितना मिल सकता है अभी तक हम लोगों ने जो किया 1,00,000, अगर मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ मेरे पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हूँ. ठीक है, अभी सपोज हेल्थ चेकअप, अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए पेमेंट किया तो उसका डिडक्शन मिलेगा अप टू 5,000 इंक्लूसिव ऑफ बोथ द एसेसी, दोनों को मिला के 5,000 मिलेगा. तो हम लोग 5,000 किसके तरफ लेंगे? जिसका 50,000 एक्सपायर नहीं हुआ है. ठीक है, तो ज़्यादा बेनिफिट वो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं कि किसके अगेंस्ट मेरे को हेल्थ चेकअप का लेना है, बट मैक्सिमम सारे कैटेगरीज में मिला के आपका हेल्थ चेकअप 5,000 तक का ही मिलेगा और हेल्थ चेकअप आपको कैश में अलाउड है. बाकी सब आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, बट हेल्थ चेकअप आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं. फिर इस बाइफिकेशन के बाद क्या बोलता है, अगर आपका आप सीनियर सिटीजन हो और आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो, मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो बट मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया, ऑफकोर्स वरना आपको दोनों बेनिफिट थोड़ा ना दिया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस का भी मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी. तो उन्होंने बोला कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल जाएगा, वो भी 25,000 के लिमिट में 50,000 के लिमिट में आएगा, 25,000 50,000 के लिमिट में आएगा. एक्चुअली वो 50,000 के लिमिट में ही आ जाएगा क्योंकि ये सीनियर सिटीजन को ही एप्लीकेबल होता है, इसलिए 50,000 में आ जाएगा. ये भी सीनियर सिटीजन का एप्लीकेबल होता है तो 50,000 में आ जाएगा. ठीक है, तो ओवरऑल डिडक्शन कितना मिल सकता है? 25,000 अगर हुआ तो 50,000 50,000, ये 50,000 के अंदर ही 5,000 होता है, ये भी इसके अंदर ही होता है, तो मतलब टोटल मिला के आपको मिल सकता है 1,00,000 रुपए तक का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही एप्लीकेबल होता है. फिर हम लोग देखने वाले हैं 80JJAA वाले सेक्शन. ये सेक्शन बोलता है कि आपको आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दो लोअर अर्निंग एम्प्लॉयज को, मिड एंड लोअर अर्निंग एम्प्लॉयज को हम आपको डिडक्शन देंगे. 30% ऑफ आपका कॉस्ट हम बेयर करेंगे, 30% ऑफ आपका कॉस्ट आपको हम डिडक्शन देंगे, उस पर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो. ठीक है, समझो 30 मेरा एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है, एडिशनल एम्प्लॉयज इंक्रीज इन एम्प्लॉय, तो बोलते हैं 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट. एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होगा? एडिशनल एम्प्लॉयज इंटू नंबर ऑफ इंटू सैलरी ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज. तो उसके लिए पहले हम लोग इंक्रीज इन एम्प्लॉयज करेंगे, सारे एम्प्लॉयज को ऐड कर देंगे, फिर हम लोग माइनस करेंगे जिनका 25,000 से ऊपर है उसको हम लोग बेनिफिट नहीं देना चाहते, 25,000 से ऊपर वाला माइनस कर देंगे, एंटायर ईपीएस मेड बाय गवर्नमेंट वो माइनस कर देंगे, एम्प्लॉयड फॉर लेस देन 240 डेज वो माइनस कर देंगे. क्यों? क्योंकि सिंपल है, हम लोग आपको वो उनको मानेंगे ही नहीं कि वो आपके पास एम्प्लॉयड है, तभी मानेंगे अगर वो 40 डेज से ज़्यादा एम्प्लॉयड है. तीन सेक्टर्स को बेनिफिट दिया है, शूज अपैरल और लेदर में, जहाँ पे आपको 150 डेज का कंडीशन एप्लीकेबल है, मतलब अगर आप 150 डेज तक भी अप्लाई करते हो वो बंदे को आपके फैक्ट्री में, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि आपके यहाँ पे वो एम्प्लॉयड था. ठीक है, तो ये बेनिफिशियल क्लॉज है फॉर
शूज अपैरल एंड लेदर कंपनीज, एक ही एसएससी को मिलता है क्या? खाली कंपनी को मिलता है? ऑल एसएससी को मिलता है जिनका 44 AD में एबी में ऑडिट होता है, ठीक है? नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू पीएफ, वो भी माइनस हो जाएगा, तो उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काउंट करके हम लोग डिडक्शन देते हैं। 10EE मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल थिंग्स और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स, फर्स्ट 5 years 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स, नेक्स्ट 5 years 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स। इनको क्या बोलते हैं, आप एक्सपोर्ट करो मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स थिंग्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आप एक्सपोर्ट करो, उसको हम लोग आपको डिडक्शन देंगे। पहला 5 साल आपको 50% देंगे, अगले 5 साल 100% देंगे, अगले 5 साल फिर आप अलावेंस क्रिएट करो, रिजर्व क्रिएट करो, री इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व, तो मैक्सिमम 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट देंगे। एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स क्या होगा? एक्सपोर्ट टोटल टोटल आपका प्रॉफिट होगा इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर, वो आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट्स निकल जाएगा, ठीक है? एक कंडीशन है कि फॉरेन करेंसी शुड बी रिसीव विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो ही आपको ये मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा 10EE का, ठीक है? फिर हम लोग अभी इंटरनेशनल टैक्सेशन एक बार देख लेते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन का मैं आपके साथ फुल लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, तो ये जो चार्ट्स है आपको पेज नंबर 25 से लेकर 29 तक आपके उस लेक्चर्स में हो जाएंगे, तो आपको आपको इसलिए कवर पूरे लेक्चर सेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए। इंटरनेशनल टैक्सेशन का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है, इवन फॉर द ओल्ड कोर्स तो आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन अच्छे से करना है, इसलिए मैं आपको फुल लेक्चर्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको डाल रहा हूँ, ठीक है? दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, आज के लिए बस इतना ही। आपको कुछ भी क्वेरीज रहेगा मेरे साइड से मेरे लिए, तो आप प्लीज़ मुझे राइट मी एन ईमेल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।